तो सोमनाथ चटर्जी को 2008 में सीपीएम से निकाल दिया गया था। अब 10 साल बाद फिर से सोमनाथ याद आए हैं और सोमनाथ सीपीएम के कद्दावर नेता थे, इसलिए सीपीएम सियासी फायदा लेना चाहती है इन्हें झंडे में लपेटकर अपना विरासत बताने की कोशिश। जबकि 2008 के बाद से सीपीएम नेताओं ने सोमनाथ चटर्जी का हाल तक नहीं पूछा था और इस बात से सोमनाथ का परिवार काफी नाराज है, गुस्से में है। सोमनाथ चटर्जी 2004 में लोकसभा अध्यक्ष बने थे। न्यूक्लियर डील पर सीपीएम ने 2008 में समर्थन वापस लिया था और सोमनाथ चटर्जी से भी अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा था। सोमनाथ के इनकार के बाद पार्टी से निकाला था। अब फिर से उन्हें सोमनाथ याद आ गए। जब तक जिंदा थे सियासत के अहम किरदार रहे, लेकिन अब नहीं है, तब भी सियासत पीछा नहीं छोड़ रही है। सोमनाथ चटर्जी के पार्थिव शरीर को सीपीएम नेता लाल झंडे में लपेटकर पार्टी कार्यालय पर दर्शन के लिए रखना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने सीधा सवाल किया कि जब सीपीएम ने 2008 के बाद से सोमनाथ चटर्जी की कदर नहीं की तो अब पार्थिव शरीर को सीपीएम के झंडे में क्यों लपेटा जाए। लॉस ऑफ फादर, ही हैज हिज बैलेंस हैज ब्रोक, इज कंप्लीटली ब्रोकन, सो ही हैज सेड सच थिंग। না, পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়ার জন্য না, মানে পার্টির পতাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল, ফ্ল্যাগ, আমরা রাজি হইনি। सोमनाथ चटर्जी एक हिंदूवादी नेता के वामपंथी बेटे थे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दी तो अपने ही दल के नेता नाराज हो गए थे। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली हलचल और बहस, महाबहस से सीधा प्रसारण के लिए लोकसभा टीवी की शुरुआत सोमनाथ चटर्जी ने ही की थी। और आपको याद होगा, मौजूदा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने सोमनाथ चटर्जी के निधन को इस बीच गहरी क्षति बताया है। आइए सुनते हैं इन दोनों ने क्या कुछ कहा है। सोमनाथ दा हम कहते हैं, तो रियली ही वाज ए बिग ब्रदर टू मी आल्सो। हर रूल का उपयोग करते हुए मुद्दे उठाना कैसे, ये एक प्रकार से हम उनसे ही देखते थे, समझते थे। विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ समय से वो बीमार थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये सोचा नहीं था। ये कुर्सी नहीं है जिसने उन्हें महत्व दिया, उन्होंने उस कुर्सी की शोभा बढ़ाई। या तो वामपंथी दिग्गज और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी हमारे बीच नहीं है, और 89 साल की उम्र में कोलकाता के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से सोमनाथ चटर्जी का निधन हो गया। लोकतंत्र के उसूलों के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले लोकसभा के पहले वामपंथी स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कोलकाता के अस्पताल में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। दशकों तक पश्चिम बंगाल और केंद्र की राजनीति के स्तंभ रहे चटर्जी 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे और उत्कृष्ट सांसद का सम्मान भी हासिल किया। वाक्पटुता, सूझबूझ और शानदार भाषण कला के चलते राजनीतिक विरोधी भी सोमनाथ चटर्जी के कायल हुए बिना नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पूर्व सांसद और स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के स्तंभ थे। उन्होंने हमारी संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाया। वो गरीबों, जरूरतमंदों की भलाई की बुलंद आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्विटर के जरिए सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक जताया है, तो वहीं उनके सियासी सफर के साथी भी सदमे में हैं। 10 बार लोकसभा में आने का मतलब है कि बहुत लंबी समय तक केंद्र की राजनीति के अंदर भी उनका योगदान रहा और बड़ी लंबी समय तक हमारा मतलब एसोसिएशन रहा उनके साथ। यू विल रिमाइन एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आल्सो।